दिल्ली के बुराड़ी में आयोजित हिंदू महापंचायत में एक बयान के बाद 3 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। यहां का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो की चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच हो रही है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा कर्म तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें विवादित क्या है और क्यों ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल प्रसिद्ध डासना देवी मंदिर के पुजारी यती नरसिंहानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, और इसलिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। यती नरसिंहानंद कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम बन जाए तो 50% हिंदू धर्मांतरण कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और उसके बाद हिंदुओं का कत्लेआम होगा, इसलिए हिंदू अब मर्द बनो और अपने पास हथियार रखो। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और दिल्ली पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसके साथ ही कार्यक्रम के आयोजक और टीम इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक प्रीत सिंह सहित 3 लोगों पर FIR हुई है। इस तरह से हथियार रखने की नसीहत सिर्फ यती नरसिंहानंद नहीं दे रहे, बल्कि सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने भी बंदूक के दम पर आवाज दबाने की बात कही है। हालांकि उनके ऊपर अब FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन आपको सुनाते हैं कि शहजिल इस्लाम ने कहा क्या था। हमारे फातिमा जी नेता जो कि बब्बर शेर है, अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने, तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुनी ध्वनि निकला, गोली निकलेगी, बताना चाहना। आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा जन समर्थन साथ में है, सबको एक एक लाख वोट मिला है हमारे सब प्रत्याशियों को। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क जाम करने का काम करेंगे, और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। शहजिल इस्लाम कहते हैं कि विपक्ष की आवाज दबेगी तो बंदूक से गोली निकलेगी। इनके खिलाफ भी अब मामला दर्ज हो चुका है। इन दिनों बंदूक, गोली और हथियारों के दम पर एक दूसरे को अपना दमखम दिखाने की कोशिश तेज है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।